बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल से आप लोगों के एग्ज़ाम शुरू हो रहे थे 15 फेब से, तो उससे पहले बहुत सारे मैसेजेस थे, मैं को उनके रिप्लाई कर दूं। कुछ बच्चे कह रहे थे कि कुछ स्ट्राइक्स हुई हैं जिसकी वजह से एग्ज़ाम कैंसिल होने के चांसेस हैं या एग्ज़ाम कैंसिल हो गए। ऐसा नहीं है, एग्ज़ाम कल 15 फेब से ही आप लोगों के होंगे और उसी के रिस्पेक्ट से आप अपने आप को तैयार प्रिपेयर करें और एग्ज़ाम लाजमी दें। अगर आप एग्ज़ाम में नहीं जाएंगे तो फेल हो जाएंगे, और अगर स्पेशली अगर न्यू सेमेस्टर के बच्चे आ गए हैं वो एग्ज़ाम नहीं देंगे तो वो ड्रॉप भी हो सकते हैं। इसलिए अपने अपने आप को प्रिपेयर वेल करें, एग्जामिनेशन जो भी हुआ है जितनी भी तैयारी है उसको और इम्प्रूव करें, बेहतर करें, और ये जो एग्ज़ाम है कल से कंडक्ट हो जाएगा। और आपकी डेट शीट है उसके साथ के आपको मिल गई होंगी, उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करें। और कुछ चीज़ें एग्जामिनेशन के हवाले से सबसे लास्ट पर मैं डिस्कस करूँगा। और जो है एग्ज़ाम जिस तरह की डेट शीट आई थी उसी तरह से कंडक्ट होंगे, और इसकी आपको वो भी आ चुकी है रोल नंबर स्लिप। और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमने ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम हो या फिज़िकल एग्ज़ाम हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जब आप फिज़िकल एग्ज़ाम देते हैं आप इसका चीटिंग के चांसेस कम हो जाते हैं, तो आप उसका प्रिपेयर वेल प्रिपेयर करते हैं और आप कोर्सेज को अच्छी तरह से देखते हैं। इससे क्या होता है कि जब आप नेक्स्ट किसी टेस्ट वगैरह में अपीयर होते हैं, किसी इंटरव्यू में जाते हैं, आपने कम से कम सिलेबस का कुछ हिस्सा पढ़ा होता है, प्रिपेयर किया होता है, ज़िंदगी भर आपके साथ काम आता है। तो आपकी पढ़ने की यही लाइफ है, इसको आप यूटिलाइज़ करें, अच्छे तरीके से चीज़ों को सीखें, सब्जेक्ट को लर्न करें, एग्ज़ाम अच्छा दें, यही सारी ज़िंदगी आपके साथ चलना है। और सेकंड आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है, पेपर मार्किंग हमारी मेन कैंपस से होनी है, एफिलेटेड कॉलेजेस ने करनी है या सब कैंपसेस ने करनी है, तो इसमें मार्किंग सारे मिलजुल के होंगी, यूनिवर्सिटी के टीचर भी होंगे, कॉलेजेस के टीचर भी होंगे, क्योंकि ये पेपर बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी टीचर भी नहीं कर सकते। तो पेपर मार्किंग के लिए नेम जो है कॉलेज से भी लिए गए हैं, यूनिवर्सिटी से भी लिए गए हैं, सब कैंपसेस से भी लिए गए हैं, तो ये हर जगह से ये मार्किंग इसकी होगी। बस इसमें ये होगा कि अब पेपर की जो सिस्टम है, पहले फिक्टिशियस नंबर रोल नंबर्स नहीं लगते थे, इस दफ़ा फिक्टिशियस रोल नंबर लगेंगे, यानी कि किसी का पेपर मार्क हो रहा है तो किसी को नहीं आइडिया होगा ये पेपर किसका है, उस पर फिक्टिशियस नंबर लगे होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं कि नेक्स्ट सेमेस्टर का, वो क्योंकि पहले तो ये 21 से स्टार्ट हो रहा था आप लोगों का, मगर अब ये आप क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम आगे तक चलने हैं तो इसका नया शेड्यूल जैसे ही आएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अभी इसका शेड्यूल नहीं है कि नेक्स्ट सेमेस्टर कब स्टार्ट होना आप लोगों का। और दूसरी बात, कुछ अपने आप को फिजिकल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें, और कुछ चीज़ें हैं जो बच्चे गलती करते हैं जिसकी वजह से उनको सही अवार्ड नहीं मिलता। एक तो आपने शीट के ऊपर रोल नंबर वो वाला लिखना है जो कि आपके कॉलेज का है, जो आपको रोल नंबर स्लिप पे इशू किया गया है वो रोल नंबर लास्ट में लिखें। आपका जो कोर्स है, नेम है, कोर्स टाइटल है, जो फर्स्ट शीट होती है उसको कम्प्लीटली फिल करें। बाज़ बात आप उसको फिल नहीं करते, आपका वो रोल नंबर को दूसरा फिल कर देते हैं कॉलेज वाला, जिससे आपको पेपर नहीं मिलता, बाज़ बात एबसेंट भी लग जाती है। तो रोल नंबर जो आपको रोल नंबर स्लिप पे मिले वही लिखें। इसके बाद सेकंड, कुछ बच्चे गलती करते हैं कि MCQs में क्रॉस करके दूसरा दो MCQs को टिक कर देते हैं, या एक क्रॉस करके एक को टिक कर देते हैं, तो ऐसे के अवार्ड नहीं मिलते। पहला एक ही MCQ बड़ा सोच समझ के लिखें, कटिंग और जो आपकी अरेजिंग होती है उसके MCQs में मार्क्स नहीं मिलते। सेकंडली, जब आप लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं और एक क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, दोनों पार्ट हमेशा इकट्ठे करें, उनको अलग अलग ना करें, और क्वेश्चन नंबर वो वाला लिखें जो कि क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा हुआ है। लेट्स गो, आप क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले करते हैं, उसको क्वेश्चन नंबर 3 ही लिखें, उसको क्वेश्चन नंबर 1 अपना बना के ना लिखें। तो उससे क्या होगा, ये आप जो मार्किंग फर्स्ट शीट पे करने मार्क्स लगाने होते हैं वो क्वेश्चन पेपर जो हमें होता है उसके अकॉर्डिंगली लगाने होते हैं। इससे फिर एग्जामिनर को काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि जब आप क्वेश्चन नंबर अपने खुद से बनाना शुरू कर देते हैं, जिस ऑर्डर में आप सोल्व कर रहे होते हैं उसी का नंबर आप लिख देते हैं, उससे एक पेपर मार्क करना मुश्किल हो जाता है। बाज़ दफ़ा इससे आपको सही अवार्ड नहीं मिल पाता जितना पेपर अच्छा आपने किया है। तो इससे दो चार चीज़ें हैं, इसको ज़रा जो आपने हेडिंग दी उसको ज़रा क्लियर करके लिखें, क्वेश्चंस नंबर और उसके सेक्शन अगर हैं दो
पार्ट्स हैं तो उसको हमेशा इकट्ठे करें। इससे क्या होगा, आपको कोई भी गलती जो है एग्जामिनर को लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और जब आप क्वेश्चन नंबर अपना देते हैं तो उससे गलती लगने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए पेपर को उधर अच्छे तरीके से करें, रोल नंबर स्लिप वाला लिखें, क्वेश्चन नंबर्स वो वाले लिखें जो के आपको कि क्वेश्चन पेपर पे हैं, और इसको किसी मार्कर से या किसी हाईलाइटर से उससे मार्कर से लिखें और पेपर को नीट करें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेहनत। अगर आप मेहनत नहीं करते एग्ज़ाम के लिए तो कुछ भी नहीं है अपने आप को, ये टाइम वेस्टेज की जो डिफरेंट न्यूज़ के पीछे ना भागें, और जितनी आप मेहनत करेंगे उतने ही आपके एग्ज़ाम अच्छे होंगे। और आपके पास क्योंकि अब टाइम बहुत कम है तो आप लोग इसको तैयार करें, और गुड लक। मेरी आप दुआ है कि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा एग्जाम कर पाए और उसमें कामयाब हों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।